Hello friends, welcome back to the channel YoYo Bio. Today we are going to start with a new unit that is biotechnology. जैसा कि आपने notice किया होगा NCERT textbook में हर unit के starting में एक scientist का page होता है जिसमें से कुछ informational points can come up in NEET exam. So for this chapter biotechnology principles and processes, we will start with basic informational points of scientist. Ever since the time of René Descartes, ये जो साइंटिस्ट है जिसका नाम है René Descartes, 17th century में ये फ्रेंच फिलोसोफर, मैथमेटिशियन और बायोलॉजिस्ट था. और इसके जमाने से यानी 17th century से साइंस का पूरा पर्पस वॉज डायरेक्टेड टूवर्ड्स ह्यूमन वेलफेयर. विज्ञान में मेन इंटेंशन ये था कि इंसान की भलाई हो सके. अब ऐसे साइंस को हम बोलेंगे एंथ्रोपोसेंट्रिक, यानी इसका मेन केंद्र, इसका मेन ध्यान कौन है? इंसान. एंथ्रोपोलॉजी इज रिलेटेड टू ह्यूमंस. अब साइंस में जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट था उसने डेवलप किया इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रीज को. बायोलॉजी डिपार्टमेंट वॉज मोस्टली फोकसिंग ऑन फूड एज एन ऑफशूट ऑफ बायोलॉजी. यानी बायोलॉजी का ही ब्रांच निकल गया है जिसको बोलते हैं हम लोग बायोटेक्नोलॉजी. सो इट इज ऑफशूट ऑफ बायोलॉजी विच डेवलप्ड इन 20th सेंचुरी. और इस बायोटेक्नोलॉजी का मेन पर्पस वाज क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन हेल्थ एंड फूड प्रोडक्शन. नाउ दिस ऑल स्टार्टेड विद द ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ अ साइंटिस्ट कॉल्ड एज हर्बर्ट बोयर. चेक दैट, हर्बर्ट बोयर, फर्स्ट एमसीक्यू, ही वाज बोर्न इन व्हिच ईयर? 1936 इन अ प्लेस कॉल्ड एज वेस्टर्न पेंसिल्वेनिया, जहां पर यंग मेंस का मेन ऑक्यूपेशन वॉज रेल रोड्स एंड माइंस. वहां पर ज्यादातर लोग रेल रोड्स और माइंस के व्यवसाय में, उससे रिलेटेड वर्क में बिजी हुआ करते थे, उसी में इन्वॉल्व थे. बट हर्बर्ट बोयर ये अलग ही यूनिक पर्सनालिटी निकला. दिस साइंटिस्ट कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग इन द ईयर 1963. देखो इसको ऐसे याद रखना, बॉर्न इन 1936 को फ्लिप करो 63. फिर उसने 3 साल का, he did 3 years post graduation at which place? The place is called as Yale. 1966 में उसको assistant professorship की पद मिली at California University at San Francisco. और 1969 में उसने चालू किया studies on restriction enzymes of bacteria called as E. coli. E. coli एक bacteria का नाम है, उसमें से एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. और 1969 में इसने ये ऑब्जर्व किया कि ये एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, डीएनए के टुकड़े को काटने के काम आ सकते हैं. इसलिए इन एंजाइम्स को डीएनए सीजर, बायोलॉजिकल सीजर और बायोलॉजिकल नाइफ और बायोलॉजिकल स्काल्पेल और बायोलॉजिकल ब्लेड भी बोलते हैं. अब देखो, सीजर बोलो, नाइफ बोलो, ब्लेड बोलो या स्काल्पेल बोलो, ये सबका काम है काटने का. ओके, तो इसने क्या देखा कि डीएनए को काटा जा सकता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मदद से जो ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया से मिलती है. अब फिर कटे हुए डीएनए के जो पार्ट्स रह जाते हैं ना, जो कट एंड्स रहते हैं, उसको बोलने का स्टिकी एंड्स. और ये स्टिकी एंड्स में हम लोग और कोई कटा हुआ डीएनए का टुकड़ा जोड़ सकते हैं. इसके इस डिस्कवरी के वजह से दिस साइंटिस्ट केम अक्रॉस अनदर ग्रेट साइंटिस्ट कॉल्ड एज स्टैनफोर्ड साइंटिस्ट कॉल्ड स्टैनली कोहेन. इस डिस्कवरी के वजह से हर्बर्ट बोयर मिल पाया हवाई नाम की जगह में स्टैनली कोहेन से, जो कि स्टैनफोर्ड का साइंटिस्ट था. स्टैनली कोहेन प्लाज्मिड्स पे काम कर रहा था. अब प्लाज्मिड क्या होता है, मान के चलो ये एक बैक्टीरिया का सेल है. अब बैक्टीरिया के पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड. बट प्लाज्मिड क्या है, चार पॉइंट याद है. इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए व्हिच इज फ्री फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म एंड इट रेप्लिकेट्स इंडिपेंडेंटली. पॉइंट नंबर वन, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल यानी न्यूक्लियोइड के अलावा एक्स्ट्रा मटेरियल है. पॉइंट नंबर टू, सर्क्यूलर डीएनए, अपना डीएनए लीनियर है. हियर यू कैन सी द डीएनए इज सर्क्यूलर, इट इज फ्री फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म, उसके साइटोप्लाज्म में है. और ये प्लाज्मिड रेप्लिकेट होता है खुद के दम पे, यानी खुद ब खुद डिवाइड होता है. अब स्टैनली कोहेन क्या करता था ना, एक सेल से प्लाज्मिड को निकाल के दूसरे सेल में डाल दिया करता था. और उसने सोचा क्यों ना मैं अपने इस आइडिया को हर्बर्ट बोयर के डीएनए काटने वाले आइडिया के साथ कंबाइन करूं.
समझो फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी बैक्टीरिया का कोई काम का डीएनए का टुकड़ा काट के निकाला और इस प्लाज्मिड में जोड़ दिया और ये प्लाज्मिड को निकाल के एक सेल से दूसरे सेल में डाल दिया। सो ये प्लाज्मिड क्या है? डिजायर्ड जीन को दूसरे सेल तक पहुंचाने का काम करेगा, जिसको हम वेक्टर या कैरियर भी बोल सकते हैं। और ये दोनों का आइडिया जब कंबाइन हुआ तब निकल के आया इस फैंटास्टिक फील्ड का डिसिप्लिन, और इस फील्ड को हम बोलेंगे बायोटेक्नोलॉजी। So well, that's all with the introduction of scientist ka page. Stay connected to this wonderful channel for the upcoming concepts of this chapter. Till then, read bio, bleed bio, yo-yo bio. Thank you.